मतलब नहीं था। तो एक बार वो दारू पीते पीते वो एक जगह भीड़ लगा हुआ था गाँव में, तो उसने देखा यहाँ किस चीज़ का भीड़ लगा, तो वहाँ देखा कि सब अपना आँख दान दे रहा था। तो उसने देखा कि मरने के बाद जो आँख किसी का काम लग जाता है, तो उस शराबी ने सोचा कि भाई मैंने जिंदगी में कोई अच्छा काम किया नहीं है, तो कम से कम मरने के बाद मेरा आँख किसी को लग जाएगा अच्छा होगा। तो वो शराबी गया वहाँ नाम लिखाने, कहा कि मेरा भी नाम लिख दो, मैं भी आँख दान देना चाहता हूँ। तो वहाँ सब भौचक्के रह गए कि भैया शराबी को इतना ज्ञान कहाँ से आ गया कि अपना आँख दान दे रहा है। तो उसको सबको कौतूहलता था कि क्यों दे रहा है। तो बाद में जैसे जिसने जिसने दान दिया है उनको सम्मान किया गया, तो सम्मान में जब शराबी का नंबर आया तो वो उसको भी दो बार कहने का अवसर मिला गया। तो उसने क्या कहा कि जिंदगी में मैंने कोई अच्छा काम तो किया नहीं, तो कम से कम मरने के बाद मेरा हाथ किसी में लग जाए तो बहुत अच्छा है, ये तो पुण्य का काम है। पर जिसको मेरा ये आँख लगाएंगे उसको इतना बात जरूर कह देना कि ये आँख दो पैर दारू पीने के बाद खुलती है, ये आँख दो पैर दारू पीने के बाद खुलती है, फिर थोड़ी देर बाद फिर बंद हो जाता। मतलब हिंदू समाज आज जो आप सुनिए तो आप मतलब कि जाग गए हैं, थोड़ी देर घर जाएंगे अपने काम में लगेंगे फिर सो जाएंगे। तो इसलिए हिंदू समाज को आर्य बनना है, आर्य बनने के लिए हम लोगों को साप्ताहिक भवन नेपालगंज त्रिवेणी मोड़ के धर्मशाला के ऊपर होता है, उसमें आप लोग आने की कोशिश कीजिए और हम लोग को बुलाइए, फिर हम लोग यहाँ आएंगे, आप लोग जगाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे मंदिर में ईश्वर ने मूर्ति बनाया है, हम आप लोगों को जिंदा मूर्ति, और हम लोग ने क्या बना दिया, ईश्वर की मूर्ति, उसमें भूख डाल दिए। तो ईश्वर ने हम लोग मूर्ति बनाया, हम लोग को मंदिर में बैठने का जगह नहीं है, वहां ईश्वर का खाली जो पत्थर की मूर्ति को बैठा दिया, इसकी हमारा विचार नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मस्जिद के अंदर कोई मूर्ति नहीं होता, चर्च के अंदर कोई मूर्ति नहीं, वहां विचार किया जाता, विचार ज्ञान दिया जाता, ज्ञान छोड़ो एक होते हैं, पर हमारे भाई समझ जाएंगे रकम लगा करेंगे चले जाएंगे, विचार हुआ नहीं। वहां का मंदिर कभी बोलेंगे हिंदू राष्ट्र में हिंदू लिए नहीं करेंगे, इसलिए आर्य समाज में आर्य बनना चाहिए। और बाहर रजिस्टर में हमारे संदीप आर्य भाई बैठे हैं, वहां आप लोग अपना नाम दिखाइए, मैं आप लोगों का हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि आप हिंदू एक हुई है, एक माला नहीं है, माला मतलब एक विचार है, विचार से हम लोग एक होंगे, ना कोई देशी ना कोई पहाड़ी, हम नेपाली है। तो इसलिए आप लोग बाहर जाके दीदी आना बहनी कोई भी हुनुहुन्छ वहाँले पनि हम लोग संदीप भाई वहाँले रजिस्टर गरेर बाहिर बस्नुहोस्, कृपया तपाईँले आफ्नो नाम लेखाउनुहोस्, आफ्नो मेरो नाम लेख्नुहोस् भन्नुहुन्छ, हामीलाई धेरै खुसी हुन्छ र हामी आफूलाई सफल भएको ठान्छौँ। र यसैमा कृपया यही चाहन्छु कि तपाईँहरूले रजिस्टरमा नाम लेख्नुहोस् र 1 गते हाम्रो चाहिँ प्रशिक्षण कार्यक्रम हुन्छ, र 5/16 गते आजभन्दा 24 हप्ता बाँकी छ। हाम्रो जुन नेपालगञ्जमा सही सम्मानको लागि हाम्रो नगर परिक्रमा हुन्छ, त्यसमा हजुरले शहीदको सम्मानको लागि आए पनि यस्तो खुसी हुन्छ किनकि राष्ट्र समाजलाई जो ज्यान दिएको छ उसैको लागि हामीले गर्ने हो। र कृपया तपाईँहरूलाई पनि यहाँ नाम हुन्छ, हाम्रो सन्दीप आर्य भाइले नाम लेख्नु होला।